वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास सेवंथ इंग्लिश हनी कॉम बुक से चैप्टर नंबर 3 है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, Why did the king want no more talk about the हिल्सा फिश? जो राजा था वो ये क्यों चाहता था कि अब कोई हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे। पहले इमेजेस से समझेंगे। एक्चुअली राजा इस वाली बात से बहुत परेशान हो गया था कि उसके जो मिनिस्टर्स थे, उसके जो किंगडम में लोग थे, पूरा टाइम 24 घंटे एक ही बात करते रहते थे और वो बात क्या है, हिल्सा फिश की बात होती रहती थी, उसके अलावा कोई दूसरी बात होती ही नहीं थी। तो राजा इस बात से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था, तो इसलिए वो ये चाहता था कि यार अब कोई भी ना हिल्सा फिश की बात ना करे। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे, एवरीवन अराउंड द किंग वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। ये देख रहे हो, ये है राजा और ये है राजा के मिनिस्टर्स और ये सब बात करते रहते थे इस फिश के बारे में, हिल्सा फिश के बारे में। तो राजा के आसपास के जो भी लोग थे वो हमेशा किसकी बात करते थे, हिल्सा फिश, है ना। द किंग हैड बिकम सो मच इरिटेटेड। अब यार तुम सपोज करो तुमको पनीर बहुत पसंद है लेकिन तुमको दोपहर में, सुबह, शाम को हर टाइम पनीर खिलाया जाए तो तुम इरिटेट हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? तो ऐसी राजा ना इस वाली बात से बड़ा इरिटेट हो गया। सो ही डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। अब यहाँ सो से लेके और ये वाला पार्ट जो हमने रेड रेड में लिखा है ये पूरा हमने यहां से कॉपी किया है क्वेश्चन से, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि राजा के आसपास सारे लोग हिल्सा फिश की बात करते रहते थे हर टाइम, राजा इस वाली बात से इरिटेट हो गया था, अब वो इसलिए नहीं चाहता था कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करे। नेक्स्ट, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। राजा ने गोपाल से क्या प्रूव करने के लिए कहा कि अगर तुम क्लेवर हो तो ये चीज प्रूव कर दो। अब हुआ क्या, जैसे कि किसी भी राजा के बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं और उसके क्लेवर पीपल होते हैं, तो राजा ने अपने सबसे क्लेवर पर्सन गोपाल को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुमको एक टास्क देता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम मार्केट से हिल्सा फिश लेके आओ फिर भी कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे, ठीक है, तो क्या तुम ऐसा काम कर सकते हो, क्या तुम मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? तो आंसर देखो, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ बिग हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट। राजा ने क्या चैलेंज दिया किसको, गोपाल को, कि तुम मार्केट से एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदोगे एंड मेक श्योर दैट नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट द फिश, और कोई भी फिश के बारे में बात ना करे। कहने का मतलब राजा ने यह कहा कि भाई तुम फिश भी खरीदोगे और कोई भी तुमसे फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए और तुम यहां से ऐसे लेते हुए फिश को मेरे पैलेस तक आओगे। अगर तुमने भाई ये काम कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत वाइज हो। तो ये टास्क दिया था राजा ने। व्हाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिल्सा फिश। अब गोपाल ने जो राजा का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट कर लिया। अब जब वो हिल्सा फिश लेने गया तो उसने तीन काम क्या किए, तो पहले इमेजेस से समझेंगे। पहला काम उसने क्या किया, अपने जो चीक है, जो फेस है, उसको हाफ शेव कर लिया। देख रहे हो आधे पे बाल हैं और आधे पे बाल नहीं है। दूसरा काम उसने क्या किया, अपनी पूरी बॉडी पे ऐश, ऐश का मतलब होता है राख लगा ली। और तीसरा काम उसने क्या किया, भिखारियों जैसे फटे पुराने कपड़े पहन लिए। अब इसी बात को हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे, तो व्हाट थ्री थिंग्स डिड गोपाल डू। नंबर वन, गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस, उसने अपने फेस को आधा शेव कर लिया, ठीक है। अप्लाइड ऐश ऑन हिज बॉडी, अपनी पूरी बॉडी पर क्या लगा लिया, राख लगा ली। वॉर रग्स, रग्स होते हैं फटे पुराने भिखारियों जैसे कपड़े, और उसने फटे पुराने भिखारियों जैसे कपड़े पहन लिए। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। अब राजा ने यही तो चैलेंज दिया था कि तुम फिश लेके आओगे और तुमको ये मेक श्योर करना है कोई भी हिल्सा फिश के बारे में ना बात करो और मेरे पैलेस तक आना है। तो जो गोपाल है वो राजा के पैलेस में कैसे गया, अब पहले इमेजेस से समझो। क्योंकि गोपाल ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, ठीक है, और उसने पूरे बॉडी पे क्या लगा रखी थी, राख लगा रखी थी, और उसने आधा जो अपना फेस है वो शेव कर रखा था। तो जैसे ही वो राजा के दरबार में आता है तो राजा के जो मंत्री होते हैं वो उसको रोक देते हैं पैलेस के गेट पे ही,
तो फिर वो क्या करने लगता है, जोर जोर से गाना गाने लगता है बहुत तेज तेज, और राजा उसकी आवाज सुन लेता है। राजा कह रहा है ये जो आदमी बाहर गाना गा रहा है इसको अंदर बुलाया जाए। तो आंसर देखो, गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। पैलेस होता है राजा का महल। तो गोपाल ने क्या किया, बहुत जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया और डांस करना शुरू कर दिया राजा के महल के सामने, इन अ लाउड वॉइस, तेज आवाज में। द किंग हर्ड द नॉइस एंड आस्क द मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड। राजा ने वो शोर सुना और कहा कि ये जो इंसान है, ये जो आदमी इतना शोर कर रहा है, इसको अंदर लाया जाए। एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। अब यूजली तो वहां के लोग हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे, लेकिन उस दिन कोई हिल्सा फिश के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि हिल्सा फिश के बारे में तो बात रोज ही होती थी, लेकिन गली में ऐसा इंसान जिसकी आधी जो फेस है वो शेव हो, ऐसा इंसान नहीं देखा। ऐसा इंसान नहीं देखा जिसके आधा शेव हो, उसकी पूरी बॉडी पर राख लग रही थी और उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। तो लोगों को हिल्सा फिश से ज्यादा इंटरेस्टिंग उस दिन क्या मिल गया, उस दिन गोपाल मिल गया। तो मतलब वो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि देखो ये पागल आ गया है, कोई हंस रहा था, कोई उसकी बात कर रहा था। नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट। अब आप ये देखो, ये वाली पूरी लाइन हमने क्वेश्चन से ही कॉपी की है, बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन। कोई भी उस दिन हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि गोपाल की कंडीशन ही ऐसी थी। ही वॉज वेयरिंग रग्स, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। हिज फेस वॉज हाफ शेवन, उसका जो चेहरा था उसने आधा शेव किया हुआ था और आधा छोड़ा हुआ था। एंड एश वॉज अप्लाइड ऑल ओवर हिज बॉडी, और उसकी पूरी बॉडी पे क्या लगी हुई थी, राख लगी हुई थी। चिल्ड्रन इसके बाद है आपके यहाँ कुछ ट्रू फॉल्स। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजली, राजा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, ये वाली बात बिल्कुल सच है, तो यहां लिख देंगे हम ट्रू। गोपाल वॉज ए मैडमैन, गोपाल सचमुच में कोई पागल इंसान था, नहीं वो कोई पागल नहीं था, वो तो वो टास्क कर रहा था, राजा का क्या नाम है चैलेंज पूरा कर रहा था, इसलिए किया था उसने, तो ये फॉल्स है। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, सच बात है वो बहुत चालाक था, इंटेलिजेंट था, तो ये होगा ट्रू। नेक्स्ट, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स। ये क्वेश्चन कह रहा है गोपाल इतना गरीब था कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था, नहीं भाई ये तो फॉल्स बात है, वो तो अच्छा खासा था, वो तो उसने फटे पुराने कपड़े राजा का चैलेंज कंप्लीट करने के लिए पहने थे। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी द रॉन्ग, जब गोपाल ने राजा को गलत साबित कर दिया कि देखो महाराज मैं हिल्सा फिश ले आया और किसी ने बात भी नहीं करी, तो इस वाली बात से जो किंग है वो नाराज हो गया। नहीं, किंग बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, किंग तो और खुश हुआ कि चलो यार मेरे किंगडम में ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज्यादा क्लेवर हैं, बुद्धिमान हैं। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हिल्सा इज अ डैश, हिल्सा एक डॉग है, एक फिश है, मंकी है या नन, ठीक है, देखूंगा आप में से कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कॉमेंट में। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।